हेलो गाइस, तो हम जैसे मैंने आपको बताया था कि हम हवा महल के बाद हम थोड़ी सी शॉपिंग करने चले गए थे साइड पे, और उसके बाद थोड़ा खाया और अब हम होटल आ चुके थे वापस अपने। थोड़ा सा रेस्ट किया, हार्डली एक घंटे का रेस्ट भी किया, जस्ट चेंज वेंज किया और बारिश होने लग गई है। तो यहाँ पर ना मैंने जैसे आपको बताया था कि बहुत ही मतलब देखने के लिए बहुत प्यारा प्यारा ऐसे सारा, यू नो, ऐसे जितने भी आप कहीं पे भी जाते हो, मतलब पूरे जयपुर में और जहाँ भी हमने स्टे किया है ना, वहाँ भी इतने प्यारे फूल लगे हैं और स्विमिंग पूल भी है। लेकिन बारिश की वजह से तो अभी थोड़ा मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये है और बहुत सुंदर सा है, मतलब अच्छा सा आपको फील आएगा कि चलो अब जयपुर आए हो, थोड़ा डिफरेंट है। एंड उसके सिवा अभी जो प्लान है, तो हमारा जो प्लान है ये बन रहा था चौकी धानी जाने का, जो कि इस होटल से जयपुर से ये जस्ट 3 से 5 मिनट की दूरी पर है। और यहाँ से हम जैसे हवा महल गए थे उसके लिए अगर मैं टाइम की बात करूँ तो हमें तकरीबन 15 मिनट ही लगा था, 12-15 मिनट। और यहाँ के लिए जो टाइम बता रहा है मैप में, जैसे हमने देखा तो टाइम शो हो रहा है इसमें अराउंड 30 मिनट। इतना दूर नहीं है टाइम की बात करूँ अगर तो 5:30 हो चुकी है, 5:30 हो चुकी है। तो अभी कैब कर रहे हैं, यहाँ से जाएंगे हम चौकी धानी, बट हम सब विश कर रहे हैं बारिश कम हो जाए। है तो कम मतलब, और दो प्रॉब्लम आ रही है, अगर बारिश हो रही है तो ऑफकोर्स आप बाहर नहीं जा सकते हो, थोड़ा घूम नहीं सकते हो, और अगर आप अंदर ही रहते हो तो मतलब अगर इनके धूप होती है, धूप में फिर अलग प्रॉब्लम है आप, क्योंकि हम जब हवा महल गए ना तो काफ़ी धूप थी, तो ऐसे आईज़ में पेन हो रहा था और नॉट गुड फॉर स्किन ऑल्सो। तो हम यहाँ से जाते हैं अभी चौकी धानी, खाते हैं, आपको वहाँ पे कुछ कुछ मतलब एलिफेंट सफारी टाइप, मतलब कुछ कुछ होते हैं, मुझे आइडिया नहीं एग्जैक्टली तो क्या क्या होता है वो भी आपको दिखाते हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए और देखिए जयपुर सिटी को। पहुंच चुके हैं गाइस हम चौकी धानी, और जैसे ही एंटर करते हैं तो बहुत ही अच्छा दृश्य देखने को मिलता है। और अगर समय की बात की जाए तो इजीली हमें 40-45 मिनट्स लग गए थे बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। एंटर करते ही राइट साइड में आपको एक प्यारा सा मंदिर भी दिखेगा, तो दर्शन करने के बाद हम निकलते हैं यहाँ से चौकी धानी, अंदर एंटर करते हैं और अंदर का माहौल भी आपको दिखाते हैं। एंटर करते ही आपको यहाँ पे जो भी प्राइसेस है खाने के, जो भी आप खाना चाहते हो वो भी आपको दिख जाएंगे। चाय है, पकौड़े आपको खाने को मिलेंगे, आइसक्रीम है, बहुत सारी चीज़ें जिसके प्राइस आपको मिलेंगे। और अगर टाइमिंग की बात की जाए, जो प्रोग्राम यहाँ पे शुरू होता है उसकी टाइमिंग 5:30 रहती है, और 6-7 बजे के बाद आपका जो डिनर है जो वो भी सर्व होने लग जाता है। तो यहाँ से हम एंटर करते हैं चौकी धानी के लिए,
सबसे पहले आप यहाँ पे आते हैं, आप देख सकते हैं ये विदाउट टिकट जो एरिया है, यहाँ पे आने का टिकट नहीं लगता है। यहाँ पे आने के बाद हमें जो टिकट है वो करवाना पड़ता है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अडल्ट और चाइल्ड का जो टिकट है वो डिफरेंट डिफरेंट है। चाइल्ड का जो टिकट है 550 रुपीज़ एंड अडल्ट का जो टिकट है दैट इज़ 900, जो कि अब बढ़ चुका है। पहले की बात की जाए तो पहले अडल्ट का टिकट 800 रुपीज़ था और जो बच्चे का टिकट होता था वो 400 रुपीज़ तक का रहता था। और सबसे पहला काम हमारा रहता है कि आप आते हो और एंटर करने के बाद आपको सबसे पहले टिकट आप लेते हो, और अगर आपको कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे आपको वो इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। यहाँ पे आपको बहुत सारी राइड्स जो है वो भी करने को मिलती है, 3 से 4 राइड्स अवेलेबल रहती है। खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको रहते हैं, तो आप खाने का आनंद भी ले सकते हो, जो कि डिनर के अलग, स्नैक्स की अगर हम बात करें वो भी आप आराम से कर सकते हो। और इनका जो नृत्य रहता है, इनका राजस्थान का जो लोकल नृत्य रहता है वो भी यहाँ पे दिखाया जाता है, तो आप इन सभी चीज़ों का आनंद लेंगे। तो हम भी चलते हैं यहाँ से अंदर और आपको भी दिखाते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटी हम कर सकते हैं, किस तरह से आप अपना जो डे है, बेसिकली ये इवनिंग में ही स्टार्ट होता है अराउंड 5:30, तो मॉर्निंग में ना आइए क्योंकि जो भी एक्टिविटी रहती है ये एक नाइट में ही रहती है, इवनिंग में रहती है। तो हम भी यहाँ से टिकट कराते हैं और अंदर की तरफ चलते हैं, और क्या क्या एक्टिविटी यहाँ पे रहती है, बहुत सारे युद्ध जो है उसके लिए भी यहाँ पर एक प्रॉपर जो है वो बनाया गया है, हल्दीघाटी का जो युद्ध था तो वो भी आपको दिखाते हैं। तो चलिए हमारे साथ और देखिए आप भी अंदर का एक सुंदर दृश्य। चौकीदार नहीं आए हैं तो यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत ही सारी चीज़ें हैं। और अभी आप जो ये दृश्य देख रहे हो ये है हल्दीघाटी युद्ध का दृश्य, जो कि आपने बचपन में ज़रूर सुना होगा। तो ये जो हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था ये हुआ था मुग़ल और राजपूतों के बीच, और आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा कि कुछ जो सैनिक हैं उन्होंने ग्रीन कलर के जो युद्ध के कपड़े पहने हैं, कुछ ने येलो के, तो उनको वैसे डिवाइड किया है। बाकी आपको जो यहाँ का नृत्य है वो भी दिखाते हैं ताकि आप उसका भी थोड़ा सा आनंद ले सके, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था।
तो गाइस आज का चौकीदानी का ये वीडियो होता है यहीं पर ख़त्म। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड दिस व्लॉग। तो आप भी ज़रूर आइएगा, बिकॉज हर जगह पे वैसे चौकीदानी है। बिकॉज इससे पहले जो मैं गई थी वो मैं लुधियाना वाली चौकीदानी में गई थी, बट डिफरेंट फील है वहाँ पे। आप जाओगे थोड़ा वहाँ पे अलग तरीके से ट्रीटमेंट मिलेगा, यहाँ पे अलग तरीके से ट्रीटमेंट मिलेगा। देखने के लिए अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पर और वहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे राइड्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं हैं। तो गाइज़ नेक्स्ट व्लॉग के लिए बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।